नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 8 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे पीएसयू दिग्गज नवरत्न कंपनी एनबीसीसी की, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले इसके आज के रिटर्न की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इसने आज अपने निवेशकों को लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और समय हो रहा है लगभग 2 बजे का। तो 2 बजे के आसपास हो सकता है कि जब तक आप तक वीडियो पहुंचेगी आंकड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन अभी तक ये 5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेशकों को लगभग 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक महीने की बात करें तो इसने अपने निवेशकों को 28.30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इसने अपने निवेशकों को 62% का लॉस किया है। किंतु यही बात नए निवेशकों के लिए हो जाती है कि नए निवेशकों को यह सौदा लगभग 62% सस्ता मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब इसमें अगर आज हमने निवेश किया तो आगे आने वाले दिनों में हमारा निवेश की स्थिति क्या रहेगी, हमारा पूंजी का ग्रोथ होगा डीग्रोथ होगा, तो उसको देख लें। तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर हमने अगर आज 22 रुपये 30 पैसे या 23 रुपये के आसपास में इसमें निवेश किया तो हो सकता है कि ये पैसा हमारा 22 रुपये बन जाए, या हो सकता है कि इसमें ठीक ठाक ग्रोथ हो जाए 267.71% का, जैसे कि फोरकास्टर रिसर्च टीम का कहना है। तो हमारी पूंजी हो सकता है कि जो एक शेयर की प्राइस है वह 82 रुपये की हो जाए, और दोनों का मीडियन जो निकल के आ रहा है वह ये आ रहा है कि हो सकता है कि हमारी जो 22 या 23 रुपये की निवेश है वो 33 रुपये हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो है रिस्क रिवार्ड रेशियो। लेकिन जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं और जो और एनालिसिस आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक इसकी प्राइसेस को 40 से 50 रुपए तक जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में अगर जान लें तो कंपनी की मार्केट कैप 4000 करोड़ की है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये डेब्ट फ्री है। तो फ्रेंड्स, ये रही कंपनी के बारे में जानकारी। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो आज स्थिति स्पष्ट होगी। तो फ्रेंड्स, यहां देखेंगे कि जो 5.38% की तेजी है वह निचली स्तरों पर जिन्होंने निवेश किया है उनको ऐसी परिस्थिति में एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका दिख रहा है। वही चीज यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक पर दिख रहा है। ऑर्डर बुक पर ये दिख रहा है कि यहाँ टोटल बाइंग क्वांटिटी तो मात्र 15,33,395 शेयर्स की है, लेकिन जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 37,63,282 शेयर्स की है, लगभग डबल से भी ज्यादा। तो इसकी सीधी प्रेशर इसके प्राइस पे भी पड़ने के चांसेस हैं, और इसके प्राइसेस जो हैं नीचे तरफ आने के चांसेस रहेंगे। अब इसके अगर ट्रेड वॉल्यूम के साथ डिलीवरी की अगर पोजीशन को देख लें तो आप देखेंगे कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी इस पे ट्रेड चल रही है। 2,13,094 शेयर्स की तो टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,07,92,856 शेयर की डिलीवरी हुई है। तो डिलीवरी परसेंट जो है वो 54% है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 2:01, तो इस पोजीशन में ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और जो नए निवेशक हैं उनका नजरिया भी बुलिश है, तो दोनों साथ साथ चल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को सोच करके आपको अपना इसमें ट्रेड संबंधी कोई निर्णय लेना है। अब फ्रेंड्स, इसके प्राइस मूवमेंट को अगर इसके चार्ट पे देख लें तो यहां आप देखेंगे कि पिछले दिनों 18 मार्च को लो बनाया था 14.05 रुपये का। वहां से जब आप देखेंगे तो अभी जो इसकी आज की प्राइस थी वो 24.90 रुपये की थी। तो लगभग जिन्होंने निचले स्तरों पर इसमें निवेश कर रखा है उनको 70 से 80% का मुनाफा 2 महीनों के अंदर हो चुका है। तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि अपना प्रॉफिट बुक करें, और वो प्रेशर साफ यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर बुक के ऊपर भी और प्राइस के कैंडल मूवमेंट के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे की रणनीति बनाने से पहले 2 से 3 चीजों को ध्यान से पहले देख लेना जरूरी है कि सबसे पहले तो इसके आरएसआई की पोजीशन को देखें तो आप यहां देखेंगे कि आरएसआई की वैल्यू 66 से अधिक निकल के आ रही है, तो प्राइस में इसमें बहुत मजबूती के संकेत हैं। और जो एमएससीडी है, एमएससीडी में भी प्राइस के मजबूती के संकेत हैं। और फ्रेंड्स, यहां पे अगर प्राइस की मूवमेंट को देखें तो आप देखेंगे कि पिछले 17 अप्रैल और 20 अप्रैल ये दो तारीख ऐसे हैं जिसमें इसने 50 डेज के ईएमए को पार करके और अपने को वहां रुकने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसने
4 जून को भी कोशिश किया था पार करने का, नहीं कर पाया 50 दिनों के ईएमए को, लेकिन जो 5 जून का डेट था इसने पार ही नहीं किया, बहुत सिग्निफिकेंटली पार किया। और आज की जो तारीख थी ये इसके लिए और भी ऐतिहासिक थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये 100 दिनों के अपने ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे इसने आज 100 दिनों के ईएमए को बहुत अच्छे से पार किया था और मजबूती से पार किया था। लेकिन जो सेकेंड हाफ में मार्केट में भी थोड़ी कमजोरी आई है और इसमें भी मुनाफा वसूली जो दिख रही है उसकी वजह से इसके प्राइस मूवमेंट में कमजोरी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ जो आगे आने वाले दिनों में हमारी रणनीति होगी वो इस पर आधारित होगी कि अपने 100 दिनों के ईए में जो निकल के आ रहा है 23.48 रुपए, तो ये उस स्तर पर रुक पाता है या नहीं रुक पाता, उसके ऊपरी स्तरों पर इसकी क्लोजिंग होती है या फिर से ये फिसल करके एक बार नीचे की ओर आ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर ही आपका इसमें कोई निवेश संबंधी निर्णय होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक आप अपनी रिसर्च करें, स्टडी करें, और उसमें अगर आपको लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए तो इसमें आपको एक कोई लेवल पकड़ के 100 डेज का या 50 डेज का उस लेवल को पकड़ के निवेश करें और उसके ऊपर ऊपर रहें, उससे नीचे जाए तो इसे एग्जिट कर लें। ये रणनीति आप सबसे सुरक्षित रणनीति अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।